गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अक्षत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा इशिका। ओके, वेयर वर वी? नंबर चाली का दबा बेटा, क्या कर रहे थे हम लोग? बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काव्यांश। मैम मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। ओके, पीपीटी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, वी हैव टू रीड फ्रॉम मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब ये मैनचेस्टर क्या है आप जानते हैं? यस मैम। क्या है मैनचेस्टर? कॉटन फैक्ट्री। मैम कॉटन फैक्ट्री। मैम मैनचेस्टर तो एक जगह है। हाँ, व्हाट इज मैनचेस्टर डे? इंग्लैंड में मैम कंपनी है। नहीं, प्लेस है। मैनचेस्टर एक प्लेस है लंदन में, जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, ठीक है। इसमें ये बता रहा है, इसमें ये बता रहे हैं कि हेनरी पटेलो जो थे एक कंपनी ऑफिशियल थे, जिन्होंने देखा कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल जो हो रहे प्रोड्यूस हो रहे थे कॉटन टेक्सटाइल्स, उसकी कंपैरिजन की उसकी क्वालिटी का कुछ था ही नहीं दूसरा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उसने ये सर्वे करा, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये देखने में आया कि किस तरीके से जो इंडियन टेक्सटाइल था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। 1812 से लेके 1811 से लेके 12 के बीच में जो 33% ऑफ द इंडिया का एक्सपोर्ट था, वो 1850 और 51 में सिर्फ 3% रह गया। अभी ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं क्लास? अभी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो इंग्लैंड था, उन्होंने क्या करना शुरू करा, वहां पे भाई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। अब उनको एक चिंता ये भी सता रही थी कि उनकी इंडस्ट्री जो उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मैम ये पार्ट हो गया था। ये पार्ट हो गया था पक्का? यस मैम। भैया रीडिंग नहीं हुई थी ना, ये वाली बुक की रीडिंग नहीं हुई थी बेटा, ये तो रीडिंग कर। यस मैम, ये हम रीडिंग कर लेते पीपीटी में हो गई थी रीडिंग। मैम वी वर ऑन द अर्ली एंटरप्रेन्योर। बेटा पीपीटी में पूरा नहीं है ना, इसलिए। ओके मैम, पीपीटी में सिर्फ दो तीन एक आध पैराग्राफ दिया था, तो इसको पढ़ लेते हैं ये, क्योंकि भाई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, कैन वी हैव अजीत रीडिंग? भाई अजीत,
आर्यन मौर्य, मैम कैन आई रीड? अभी रुको सचिन एक मिनट. आर्यन मौर्य आर्यन आप क्लास में है कि नहीं है? आयुष? यस मैम. हाँ पढ़ो बेटा. मैम कहाँ से? मैम आपको शुरू से पढ़ना है इन 1770. अच्छा ये रहने दो. व्हाट डिड व्हाई डिड दिस हैपन एंड व्हाट वर इट्स इंप्लिकेशंस. यहाँ से पढ़िए. ओके मैम. व्हाई दिस हैपेंड व्हाट वर दिस इंप्लिकेशंस. इंप्लिकेशन हेल्ड द कोटन. Cotton is industry developed in England. The industries began worrying about import from other countries. They pressurized the government to impose the import duty on cotton textile so that matters. Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. At the same time, the industrialists बेटा एक मिनट रुको. आयुष अजीत आर यू देयर? यस मैम. अजीत आप क्लास में हो बेटा? यस मैम. बेटा चलो आप ही रीड करो. व्हाई डिड दिस हैपन एंड व्हाट वर इट्स इंप्लिकेशंस. यहां से पढ़ना शुरू करिए. यस रीड आउट. हम किसको करना है रीड? अजीत. अजीत वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज कॉटन इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम हियर. यस मैम. एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगन वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. दे प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू इंपोज इंपोर्टेंट ड्यूटीज cotton textiles so that manufacturers could sell in Britain without facing any competition from outside. At the same time, industries persuaded the East India Company to sell British manufacturers in Indian markets as well. Exports of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century. At the end of the 18th century, there had begun virtually. There had been. No importance of peace goods into India. But by 1850, cotton peace goods. Carry on. Ma'am. Many other students can read my network. बेटा आवाज नहीं आ रही बच्चे. अजीत अजीत yes, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. पढ़ो प्लीज. ओके यू लीव. अक्षत
मैम नेटवर्क इशू है मैम यस मैम अक्षत ये पढ़ो बेटा जहां से उन्होंने छोड़ा है मैम मैं बुक में निकाल रहा था कहां से कोई नहीं बट व्हाई 1850 शेयर करा हुआ है स्क्रीन हमने यहीं से पढ़ लो एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton rice goods into India. Cotton piece goods into India, but by 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the value of the of Indian imports, and by the 1870s, the figure was over 50%. Cotton weavers in India thus faced two problems at the same time. Their export market collapsed and the local market shrank, being bloated with Manchester imports. Produced by machines at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. By the 1850s, the reports from most weaving regions of India narrated stories of decline and desolation. By the 1860s, weavers faced a new problem. They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. When the Americans... Wait. Let me scroll. Read out. When the American Civil War broke out and cotton supplies from the US were cut off, Britain turned to India as raw cotton export from India increased the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. In this situation, weaving could not pay. Then by the end of the 19th century, weavers and other craftspeople faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? Okay. See, exorbitant prices matlab high prices. Okay? Is there anything that I need to explain to you people? No, ma'am. No, ma'am. Fine. Shall we carry on now? Factories come up. Chaliye. Factories come up. Can we have Ishika reading? Yes, ma'am. The first cotton mill in Mumbai came up in 1854 and it went into the production 2 years later. By 1862, four mills were at work with 94,000 spindles. Good morning, ma'am. And Gaurav, good morning, beta. Itni late class mein aaye ho aap. Kyun? Gaurav? Are bhai Gaurav? हाँ जी इशिका कंटिन्यू बेटा कैरी ऑन अराउंड द सेम टाइम जस्ट मिल केम अप इन बंगाल द फर्स्ट बीइंग सेट अप इन 1855 एंड अनदर वन 7 years लेटर इन 1862 इन नॉर्थ इंडिया द इल्जन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन द 1860s
and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up. By 1874, the first spinning and weaving mill of Madras began production. Who set up industries? Where did the capital come from? Who came to work in the mills? The early entrepreneurs. Industries were set in different regions by varying sorts of people. Let us see who they are. They were. The history of many business groups goes back to trade with China from the late 18th century. As you have read in your book last years, the British in India began exporting opium to China and took this trade, providing finance, procuring supplies and... Tea from China to England. You have left one line. Tea from China to England. Opium beta ek tarike ki drug hoti hai, nasha. Which is used in making several products. Carry on. Tea from China to England, many Indians became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping consignments. Having earned through trade, some of these businessmen had vision of developing industrial enterprises in India. In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment, setting up six joint stock companies in the 1830s and 1840s. Tagore's enterprises sank along with those of others in the wider business crisis of the 1840s, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists in Bombay. Denshaw Patel and Jamsetji Nasarwanji Tata, who built huge industrial empires in India, accumulated their initial wealth partly from exports to China and partly from raw cotton shipments to England. Seth Hukumchand, a Marwari businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1817, also traded with China. So did the father as well as grandfather of the famous industrialist G.D. Bilda. Capital was accumulated through other trade networks. Some merchants from Madras traded with Burma, while others had link with the Middle East and East Africa. There were yet other commercial groups, but they were not directly involved in external trade. They operated within India, carrying goods from one place to another, banking money, transferring funds between cities, and financing trades. When opportunities of investment in the industries opened up, many of set up factories. Okay. As college. Wait, can we have Kavyan's reading? Yes, ma'am. As colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. They were barred from trading with Europe in manufactured goods and had to export mostly raw material and good food grains. Raw cotton, opium, wheat, and indigo required by the British. They were also gradually edged out of the shipping business till the First World War. European managing agency in fact controlled a large sector of Indian industry. Three of the biggest ones were
बर्ड हैगलर को एंड्रयू जूल एंड जर्डिन स्किनर एंड को The agencies mobilized capital, set up joint stock companies, and managed them. In most instances, Indian financiers provided the capital, while the European agencies made all the investment and business decisions. The European merchants, industrialists had their own chamber of commerce, which Indian businessmen were not allowed to join. ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसमें इसमें क्या चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है? क्लास इज एवरीथिंग क्लियर एंड अंडरस्टूड इन दिस? यस मैम. पक्का? यस मैम. मैम बेटी ने मैम ने फैक्ट्री सेटअप करने दी. समझ नहीं आया, बोलो बेटा क्या कह रहे हो आप? मैम जो बेटी सर थे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करने दी इन लोगों को. हाँ, एक्चुअली क्या था कि जब ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री आई थी उससे पहले इनकी इंडस्ट्रीज थी, उससे पहले भी थी इन लोगों की, पर हुआ क्या कि ये लोग वो थे जिनके जिनका के बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है इनका कनेक्शंस थे चाइना के साथ. जब जब ब्रिटिश ब्रिटेन जब इंग्लैंड ट्रेड करता था, जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ट्रेड करते थे, चाय वगैरह लेके जाते थे, ओपियम लेके जाते थे, उस दौरान ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन सब लोगों ने उस समय तो इंडस्ट्रीज बनाई नहीं थी. धीरे धीरे इन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद इन्होंने कहा कि किस तरीके से हम ट्रेड में आ सकते हैं. तो जानते हैं इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी, तो वो भी ये सोच के कि भाई ये हेल्प करेंगे, ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट वगैरह बहुत ज्यादा वो दिखा, ये सब ये लोग दिखाते थे कि भाई प्रॉफिट जो मिल रहा है वो जो है इनका पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो इंग्लैंड के लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए है. पर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन लोगों को बहुत मजा आया. क्यों? क्योंकि सब तरफ लड़ाई हो रही थी, वॉर हो रही थी, प्रोडक्शन सब जगह बंद हो गया था, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में. तो इंडियन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत फायदा हुआ. तो इन्होंने क्या करा, बाहर तो भले ही हमने नहीं भेजा बट विद इन आर कंट्री हमारे जो इंडियन मेड गुड्स थे उसकी डिमांड बढ़ गई. तो इस वजह से क्या हुआ, इन लोगों को इसलिए भी बनाने दिया बेटा क्योंकि देखो ये लोग बहुत बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, ठीक है, इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको बना नहीं करा, और उनको ये लगा कि भाई अगर ये लोग इंडस्ट्रीज अपनी बनाते हैं तो हमारा ही फायदा होगा, हम इनसे अपना काम निकलवाएंगे, इसलिए जो है इन लोगों को इस्टेब्लिश करने दिया गया, ठीक है. इसमें पूरा का पूरा दे हैव टोल्ड यू अबाउट द हिस्ट्री कि हाउ द इंडियन इंडस्ट्रीज और द फैक्ट्रीज दे केम इन टू बींग एंड किन किन लोगों ने जो है इंडस्ट्री सेटअप करने का जो है जोखिम उठाया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ये वो लोग थे जिन लोगों को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था ऑफ दी पास्ट, ठीक है. ब्रिटिशर्स के साथ ही लोग काम करते थे, एज अ फाइनेंसर करते थे या एज ब्रोकर्स करते थे, जो भी करते थे, पर इन लोग जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस कि भाई किस तरीके का जो है इन लोगों का सिस्टम है, कैसे काम करते हैं और ये लोग किस तरीके से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं. आई होप आई एम क्लियर. यस एवरीवन. यस मैम. चलिए, एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इन दिस? No, ma'am. पक्का? अब ये कह रहा है, हमारा दूसरा पैराग्राफ हमसे पूछता है, बताता है हमको कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम. कह रहा है कि भाई काम करने के लिए लोग कहाँ से मिले. अब सीधी सी बात है, जिन जगहों में डेवलपमेंट हो रहा होगा वहीं पे वहीं के आसपास के इलाकों से ही लोग आएंगे काम करने के लिए, isn't it? Yes, ma'am. है ना. अब जैसे जब बॉम्बे डेवलप हो रहा था एज अ सिटी या एज अ इंडस्ट्रियल सिटी कह लो या जो भी, मतलब आप उसको क्लॉज दे दो, क्योंकि बॉम्बे को सपनों का शहर भी कहा जाता है. बॉम्बे इनिशियली जो है प्रेसिडेंसी रीजन था, तो वहां पे डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हुआ, वहां पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो है काफी डेवलप हुआ. तो जिसकी वजह से जो है जब ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ तो जो नियर बाय एरियाज थे आपका गुजरात वगैरह का जो एरिया था वहां से, फिर विद इन महाराष्ट्र ऑल्सो जो आसपास के एरियाज थे वहां से काफी लोग माइग्रेट करके बॉम्बे में आए. एम आई क्लियर? यस मैम. ठीक है. अब ये जो कामगार थे ये क्यों आसपास के इलाकों से आते थे, ताकि क्योंकि ये लोग छोटे छोटे मोटे काम करने वाले होते थे और ज्यादातर लोग इसमें से पीजेंट्स होते थे, तो इनको लगता था जब काम कर रहे हैं वहां पे, जब तक काम सीजन चल रहा है वहां पे करेंगे और जब समय मिलेगा अपने यहाँ पे, जब हार्वेस्टिंग सीजन, जब हमारा जो है
कल्टीवेशन का सीजन होगा, फसल को बोके वापस आ जाएंगे, फिर दो तीन महीने यहाँ काम करेंगे, फिर जब हार्वेस्टिंग सीजन आ जाएगा वापस चले जाएंगे, वहां पे काम कर लेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो अपने त्योहार तीज त्योहारों के समय पे और जो हार्वेस्ट होती थी उस दौरान ये लोग अपने घर वापस आ जाते थे वहां का काम बंद करके। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, तो इनिशियली जब ये फैक्ट्री सेटअप हुई तो आसपास के इलाकों से लोग आने लगे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट इतना मिलने लगा, इतना काम बढ़ गया कि फिर तो दूर दूर जगहों से भी लोग जो है वो आने लगे इन एरियाज, इन सिटीज में, इन प्रोविंसेस में, क्योंकि इन्हें पता था कि एक तो ये डेवलप्ड एरियाज हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और हर चीज का जो है इनको बेनिफिट था वहां पे। ठीक है, इस वजह से हो गई। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? अब स्पेशली क्योंकि बॉम्बे सेंट्रल प्लेस हो गया था, वहां पे बहुत ज्यादा कॉटन मिल्स आ गई थी, टेक्सटाइल मिल्स आ गई थी, फिर कैलकटा भी काफी क्लोज वहां पे आसपास के इलाकों में, जो कैलकटा के आसपास के जो लोग थे वो लोग भी वहां जाते थे, दूर दराज से भी इन जगहों पे लोग आ रहे थे। ये सिटीज बड़ी क्राउडेड हो गई थी बिकॉज ऑफ दी फैक्ट्रीज दैट वर इंस्टॉल्ड ओवर देयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट बेटा? क्लियर? नो? अब ये जो पैराग्राफ है ये हमें बताता है कि भाई देखो, जो काम मिलना जो था वो बड़ा आसान काम नहीं था। अगर 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 आप सपोज आप एक ऐसी कैपेसिटी में है कि आपको नौकरी की तलाश है और आपको पता चलता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव किसी अच्छे शहर में है, से फॉर एग्जाम्पल बैंगलोरू, बैंगलोरू इज कॉल्ड दी आईटी हब कहलाता है, वहां पे जॉब्स की भरमार है जबरदस्त वाली, तो आप एक आईटी एक्सपर्ट हो या आप एक आईटी उसमें जो है आपने स्पेशलाइजेशन करा हुआ है और आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव बहुत ही सॉलिड पोजीशन में है बैंगलोर में आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसका रेफरेंस लेके जाओगे जॉब के लिए, जाओगे नहीं जाओगे? यस मैम। और कोशिश ये करोगे कि वो आपको जॉब दिलवा दे इजीली बिना किसी स्ट्रगल के? यस मैम। ठीक है, कह रहा है कि ठीक यही सिचुएशन वहां पे भी थी कि जो काम मिलना बहुत काम जो था बिल्कुल था, मिल्स भी बढ़ रही थी, वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ रही थी और काम ढूंढने वालों की जो है वो भी बढ़ रही थी, पर प्रॉब्लम क्या थी कि मिल्स वगैरह में जाना हर किसी के बस का नहीं था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ लोगों को एम्प्लॉय करा जिनको वो जॉबर्स कहते थे, ठीक है, और इन जॉबर्स का क्या काम होता था, नए नए लोगों को रिक्रूट करना इनटू मिल्स, ठीक है, कॉटन मिल्स या जूट मिल्स में इन लोगों को रिक्रूट करना ताकि वो लोग काम कर सके। अब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी कंपनी में मेरी एक पोजीशन ऐसी है कि मैं लोगों को एम्प्लॉय कर सकूं, वहां पे रिक्रूट कर सकूं, अपॉइंट कर सकूं, तो मेरी प्रेफरेंस क्या होगी, पहले मैं अपने दोस्तों को भाई बंधुओं को लगाऊं वहां पे, उसके बाद किसी और को लगाऊं, इजंट इट? यही तो होता है। बस अब इन ये जो जॉबर्स थे इनके आने से लोगों को क्या फायदा हुआ कि जो इनके जान पहचान के लोग थे या जो इनपे ये लोग भरोसा करते थे वो आराम से जो है उनको जॉब ये लोग दे देते थे। ठीक है भाई, अपने अपने विश्वास पे कहते ना कि भाई हमारी गारंटी ले लो, हम जो है इसकी गारंटी लेते हैं, कोई गलत नहीं होगा, सब सही रहेगा। तो ये लोग दीज पीपल यू नो दे वर्कड एज गारंटर्स ऑल्सो, क्योंकि इनके कहने पे अथॉरिटीज जो है इनको जॉब मतलब किसी को रिक्रूट करने की अथॉरिटी इन्होंने दे रखी थी। क्यों? क्योंकि ये जो जॉबर्स थे ये बहुत पुराने एम्प्लॉयज हुआ करते थे किसी भी मिल या इंडस्ट्री में। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये जो जॉबर्स थे इन्होंने इसका एडवांटेज क्या उठाया, इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन्होंने उन लोगों से गिफ्ट्स और फेवर्स देना शुरू करा जिनको ये काम दिलवाते थे। अब आज की डेट में आप देखो, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, अगर आपको अपना कोई काम निकलवाना है तो ऑब्वियस ही बात है, जो जिस 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 भी जिस भी एरिया का काम होगा आप उस एरिया के जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाला इंसान होगा उसको अप्रोच करोगे। जब आप उसको अप्रोच करोगे तो खाली आप तो नहीं जाओगे ना, yes, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाओगे उसके लिए, राइट? तो बस इन लोगों ने भी इस चीजों का एडवांटेज उठाना शुरू करा। मतलब आज तो यही, आज की डेट में अगर आप देखो तो सब जगह यही होता है। ठीक है, नो डाउट आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है बट ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है, yes, चलिए, ये इट वाज ऑल अबाउट दी
वर्कर्स, ठीक है? इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? नो मैम। नो मैम। चलो अब कह रहा है पिक्युलैरिटीज ऑफ द, चलिए ये पीपीटी में पढ़ लें जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ये। यस मैम। है ना? जस्ट अ सेकंड बेटा, अभी देखो सब ये जितने भी अर्ली आपके एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इनिशियल इंडस्ट्री सेटअप करी, ठीक है? मैम पीपीटी शेयर, पीपीटी भी शेयर कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं बच्चे, हमें ध्यान आ गया क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रही होगी। दिखिए अभी बेटा, दिख रही है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब इतना हुआ। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? सब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ये देखो बॉम्बे कैसे फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे, और बॉम्बे का आप सिनेरियो देखो कितना खाली इलाका पड़ा हुआ है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे पॉपुलेशन लोग आते गए यहाँ पे बसते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, एरिया लैंड एरिया कम होता गया, ठीक है? Yes, ma'am. ये जॉबर है, देखो जॉबर की फोटो दिखा रखी है कि जॉबर्स एग्जैक्टली क्या होते थे, उनका क्या काम होता था, ठीक है? Yes, ma'am. आई थिंक इसमें कुछ अलग सा तो है, दिख नहीं रहा है हमको। मैम बिल्कुल सेम है। हाँ ये तो सेम ही है मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा ये अर्ली yes, एंटरप्रेनर्स ने कैपिटल कहाँ से लिया, ये वाला भी हमने पढ़ लिया है बिलीव। यस मैम। दिस होल थिंग इज डन नो। चलिए अब इस चैप्टर से अब ऐसा करें हम आपसे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करें इसमें से। मैम चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, पर अभी टाइम इतना नहीं बचा है कि बाकी के टॉपिक स्टार्ट कर पाए, है ना? फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम टॉपिक फिर ऐसे ही शुरू करेंगे ना मंडे को, फिर नए फ्रेश टॉपिक से शुरू करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम। चलिए तो आप लोगों के पास सबके पास बुक्स है ना? यस मैम। चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, फैक्ट्रीज कम अप पेज नंबर 118। व्हेन डिड द फर्स्ट, शैल आई स्टार्ट? ओके नवजोत, कैन यू हियर मी नवजोत? यस मैम। हाँ पेज 118 है, ठीक है? फैक्ट्रीज कम अप, बताइए पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में कब आई थी प्रोडक्शन करने के लिए? किस ईयर में आई थी? एनीबॉडी इन द क्लास? क्वेश्चन इज when did the first spinning and weaving mill of Madras began production? Yes, Niharika? 1874. Very good. You people can underline this line? Yes, ma'am. By 1874, the first spinning and weaving mill of Madras began production. Very good. Ye batao. Where was the first jute mill set up? Where was the first jute mill set up in 1855? Ma'am, Bombay. नहीं बेटा। Ma'am, Bengal.
Yes, Bengal. Bengal. In which year the Elgin Mill was started in 1860s? Where did Elgin Mill started in 1860s? Where did it started in 1860s? Kanpur. Very good. Then, when did the first cotton mill came up and where? When and where? In 1854. In Bombay. Very good. 1854 in Bombay. Bombay. Very good. Tell me. With which country many of the business groups in past were trading? When China. China. Very good. China. China. Very good. British in India began exporting which material to China? Opium. Very good. Very good. What was taken from China to England by the British? Tea. Very good. Very good. Okay. Who tried his fortune in the China trade before he turned to industrial investment? In Bengal. Ma'am, Dwarkanath Tagore. Very good. It is Dwarkanath Tagore. In Bombay, who had built huge industrial empires in India? Jamshedji Tata. And? Dinshaw Patel. Dinshaw Patel. Dinshaw Patel. ठीक है दिनशा पैटेट वेरी गुड देन टेल मी हु एस्टैब्लिश्ड और हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917 मैम सेठ हुकमचंद सेठ हुकमचंद वेरी गुड ओके नाउ पेज 119 Who controlled a large sector of Indian industries till the First World War? Who controlled a large sector of Indian industries till the First World War? Ma'am, European managing agencies. Yes, many European managing agencies. Very good. Then, name the three biggest companies which were there. Agencies which were there. Okay. The three European managing agencies were the Bird Helgers and Corporation, Andrew Yule, and Jardine Skinner and Corporation. Right? These were the three that were controlling. Yes. Who mobilized capital, set up joint stock companies and managed them in India? Ma'am, World Heglers, Andrew Yule and Jardine Skinner. Very good. Who financed the industries? And who provided the capital and took the business decisions? Industries ki setting up ke baad, kaun finances ensure karta tha aur kaun invest karta tha?